हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मुस्तफा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावाला सब ऑफ अकाउंटेंसी। अच्छा, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स ACCA करके और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करके वो ये चाहते हैं कि वो अपने आप को अपग्रेड करें, लेकिन कई बार अपग्रेड करने में वो बहुत लेट हो जाते हैं। तो आज हमारे पास एक बहुत जबरदस्त रूट है और मेरे साथ हैं सर हतीम रजा, और ये 8 ईयर्स का इनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है EY एंड यूनिलीवर का। और सबसे बड़ी न्यूज ये है कि ये ICW के मेंबर भी हैं, और अभी लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने ये वर्ल्ड टॉप स्कोर किया है विद 90% मार्क्स थ्रू पाथवेज। तो हम ये पाथवे का रूट आज डिस्कस करेंगे, सर की एक्सपर्ट एडवाइस आपको देंगे। सर, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो कहते हैं ICW पाथवे रूट, ये क्या है और ये किन लोगों के लिए है? सही है सर, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बेसिकली ये पाथवेज रूट उन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए है कि जो फॉर एनी रीजन, फॉर उनके अपने पर्सनल रीजंस ये होते हैं कि अपने ACCA के बाद या ICW के एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर या तो हो नहीं पाते या उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे सबसे बड़ी जो ये चीज फेस करती है हमारे की फीमेल्स, जिनकी फॉर एग्जांपल बड़ी अर्ली मैरिज हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पेपर्स या तो बीच में छोड़ देती हैं और उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती, और बाद में जब उनको ये ख्याल आता है कि जी अब हमें इसको कंटिन्यू करना है, तो या तो वो उस रिदम में नहीं रहते एग्जामिनेशन की, या फिर वो कहते हैं कि यार हम अपीयर तो होना चाहते हैं लेकिन अब ये किस तरीके से हम जाके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, हमारे पास तो उतना टाइम नहीं है। सो ICW ने ये एक रूट इंट्रोड्यूस किया है उन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए कि जिन्होंने फोकस किया है प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, कि वो इसके लिए अपीयर होके एग्जामिनेशन दे के अपना वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डेजिग्नेशन या अपना वो ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये कुछ 15 डिफरेंट बॉडीज हैं ICW की, आप कह लें कि जिनसे इनकी अफिलिएशन है, जिसके अंदर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ बांग्लादेश आ जाते हैं, नेपाल आ जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं, इवन ICAR या ACCA के, जिनके मेंबर बनने के बाद 5 साल कंप्लीट होने के बाद वो ये एलिजिबल हो जाते हैं इस रूट के लिए। यानी मैं यूं कंक्लूड करूंगा कि ये सिर्फ ACCA के लिए नहीं है, ये जितनी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन है ऑलमोस्ट सब के लिए। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए देखें शर्त ये है कि पहले अगर मैं ACCA समझाऊं तो आपने ACCA का मेंबर भी बनना है, और उस मेंबर के लिए 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और मेंबर बनने के बाद 5 इयर्स का आपके पास प्रोफेशनल। एग्जैक्टली, क्योंकि एक कंफ्यूजन जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट को होती है, उसको लगता है कि ACCA के पेपर्स कंप्लीट करने के बाद 5 साल स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। आपको मेंबर बनने के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आपकी मेंबरशिप एक्टिव मेंबरशिप होनी चाहिए। अच्छा, स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि सर ये एक्टिव मेंबरशिप क्या चीज है? आप CPD कंप्लाइंट हो, अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन आपने पूरी पे की हुई हो, आपके जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है और डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड, सर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, और ये कौन वाउच करता है? ये आपकी प्रोफेशनल बॉडी वाउच करती है थ्रू लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग, और ये एक रिक्वायरमेंट भी है जब आप अपनी सबमिशन करेंगे पेपर की। सो उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग होना चाहिए, ना सिर्फ आपका बल्कि आपके स्पॉन्सर का भी, जो आपकी स्क्रिप्ट स्पॉन्सर कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बड़ी जरूरी चीज है जो हम बहुत ज्यादा मिस कर जाते हैं जिस चीज को। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं और आपकी मेंबरशिप को से 5 साल हो चुके हैं, आप एक्टिव मेंबर हैं और आप इस चीज के लिए कोई आपके किसी किस्म का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या कोई भी इस तरह की बात नहीं है, सो आप फौरन इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी रजिस्ट्रेशन फी कोई नहीं है, आप स्ट्रेट अभी ICW के साथ जाके रजिस्टर हो, अगर आपको ऑलरेडी कोई इस तरह का अकाउंट बना हुआ है, सो आपने सिर्फ पाथवेज के लिए रजिस्टर होना है एंड यू आर गुड टू गो। अच्छा सर, यहाँ पर एक और बच्चों का क्वेश्चन होता है, क्योंकि देखें ICW का एक रूट नॉर्मली जो पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में फॉलो होता है कि ACCA करने के बाद बच्चे 3 पेपर्स देते हैं, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, SBM और केस स्टडी उसके थ्रू, और एक ये जो आपने नया रूट अभी जो बताया, ये जो पाथवेज वाला, कि अगर बच्चा इस रूट से जाए या इस रूट से जाए, क्या दोनों का एंड रिजल्ट एक ही है या नहीं है, ये बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है, और ये आप, मैं अपनी एग्जांपल से बताऊंगा, मेरे पास भी एग्जैक्टली यही मिसकंसेप्शन था कि अगर मैंने पाथवेज से किया तो ये शायद कोई रेसिप्रोकल मेंबरशिप होगी। अच्छा, ये रेसिप्रोकल मेंबरशिप क्या होती है? किसी एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर होने के साथ बगैर पेपर दिए हुए अगर आपको दूसरी किसी क्वालिफिकेशन आपको मिल जाती है, उसको हम रेसिप्रोकल मेंबरशिप कहते हैं। ये रेसिप्रोकल मेंबरशिप नहीं है, इसमें एग्जामिनेशन देना है आपने, आपका अपना ही लास्ट 5 साल आपकी केस स्टडी है जिसपे आपसे सवाल किया जाएगा, एग्जामिनेशन आपने देना है और आप मेंबर बन जाएंगे।
और इन दोनों रूट्स में कोई डिफरेंस नहीं है. ये सिर्फ रूट इंट्रोड्यूस किया है आईसीडब्ल्यू ने उन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए कि जो एग्जामिनेशन या तो दे नहीं सकते या अब उस रिदम से आउट हो गए. सो दोनों का एंड रिजल्ट, यानी स्टूडेंट मोड से कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं. बिल्कुल. सो ये दोनों एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ रूट डिफरेंट है. अगर मैं एग्जाम्पल दूं, कोई किसी जगह के ऊपर कोई पार्टी होती है तो वहां के ऊपर एक बंदा किसी डिफरेंट रूट से जाता है या पहुंचता है और एक किसी डिफरेंट रूट से पहुंचता है, बट एंड में रिफ्रेशमेंट्स दोनों को सेम मिलती है, बेनिफिट्स दोनों को वही है. जैसे मैचेस हो रहे होते हैं तो आपको कई बार कुछ लोग टिकट्स बाय करते हैं और कुछ लोगों को वैसे रेफरेंस से मिल जाता है. सो दोनों को सेम. सर मेरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपसे कि इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है और इसका क्या कहते हैं फीस स्ट्रक्चर वगैरह, एग्जाम फीस, ये सब भी आप बच्चों के साथ डिस्कस करें. अगर मैं इसकी एग्जाम फी की बात करूं, विच इज ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू चेंज भी हो सकती है, बट रिसेंट ये जो आपने अटेम्प्ट है उसमें 300 pounds की आपकी एग्जामिनेशन फी है. रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने पहले बताया बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई आप आईसीडब्ल्यू के साथ फी नहीं देंगे. आपके 300 pounds की रजिस्ट्रेशन फी है. साल में 2 दफा ये अटेम्प्ट होता है, जिसमें से एक फेब अटेम्प्ट है जो कि अभी इस महीने अगर आप समझे 17 फेब को ये हो जाएगा, एंड सेकेंड अटेम्प्ट जो है वो हमारा जुलाई के अंदर जाकर होता है. So, ये तो इनके हो गया कि टाइमलाइन इसकी क्या है और इसकी फी क्या है. जो आपका तीसरा सवाल था वो था कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. सो बेसिकली इसके अंदर 5 बहुत ही सिंपल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन के 2 parts हैं. अगर मैं बताऊं कि इसमें बेसिकली एग्जामिनर देख क्या रहा है, वही चीजें जो आपको SVM, CR और केस स्टडी में देखते हैं, एग्जामिनर यहां भी वही चीज देख रहा है. पहले क्वेश्चन के अंदर वो आपकी आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक को टेस्ट कर रहा है. सो एक आइडेंटिफिकेशन का उसने एक सवाल बना दिया. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 parts हैं और उसके अंदर बेसिकली वो आपकी एनालिसिस या एनालिटिकल स्किल्स को जो है वो टेस्ट कर रहा है. इसी तरीके से तीसरा सवाल आपको करता है जजमेंट, कि आप किस तरह चॉइस, आपके रियल लाइफ सिनेरियो में जरूर होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट्स जो हैं उनको चॉइस आई होगी 2 options के बीच में, कैसे एवेल्युएट किया, प्रायोरिटाइज किया किसी टास्क को, जजमेंट यूज की, कैसे की. फोर्थ क्वेश्चन, आपने एक एडवाइस दी होगी किसी को, अपने मैनेजमेंट को, सीनियर मैनेजमेंट को, वो डेवलप कैसे किया आपने एडवाइस. एंड लास्ट जो कि हर एक एग्जाम का, हर एक प्रोफेशनल बॉडी का सबसे फेवरेट होता है, दैट इज एथिक्स. बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एथिकल आपकी जो कंसिडरेशन के बगैर तो उसके बगैर काम नहीं चल सकता. सो 5 mark, 10 mark वो नॉर्मल एग्जाम में रखता ही रखता है एथिक्स के. इसी तरह एक लास्ट पूरा क्वेश्चन डेडिकेटेड है. सो अगर मैं इसको शॉर्टन करूं, सो आपके टोटल 5 सवाल हैं part 1 के अंदर जिसको आपको अटेम्प्ट करना है. हर सवाल के 2 parts हैं एक्सेप्ट फॉर द लास्ट पार्ट जिसका कोई पार्ट नहीं है. सो टोटल 9 आपको बेसिकली पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है. एंड देन देयर इज अ part 2 जो कि समरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिंपल एक शॉर्ट सीवी है आपकी, लास्ट 5 साल में आपने किस रोल में काम किया, किस एम्प्लॉयर के साथ आप एसोसिएटेड रहे और आपने क्या किया उस रोल के अंदर, और फिर रेफरेंसिंग कि आपने किस क्वेश्चन में इस रोल को यूज किया है. थैंक यू. अच्छा जी स्टूडेंट्स, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिर्चावाला इंस्टीट्यूट की सर्विसेज दुनिया भर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो सर हकीम रजा भी हमारी टीम का हिस्सा है और मैं चाहता हूँ जो लोग इस ICW पाथवे रूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमें कांटेक्ट करें. बाकायदा इसके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होंगे 1-on-1, या आपको फीडबैक देंगे, 1-on-1 चेकिंग करेंगे. यानी इसकी कोई ऐसी ट्यूशन नहीं होती कि कोई रिकॉर्डेड क्लास हो, बल्कि इसकी 1-on-1 मेंटोरिंग या इस टाइप के सेटअप होता है. तो मैं आप सबको बोलूंगा जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9023002555744. उम्मीद है आप लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ होगा. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.